हेलो फ्रेंड्स, किड्स स्पेशल टिफिन रेसिपीज में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज्यादा मजेदार स्वीट कॉर्न पुलाव। इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, एकदम खिले खिले चावल वाला ये स्वीट कॉर्न पुलाव बस कुछ ही मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आज का वीडियो एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें पकाने हैं चावल। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं एक कटोरी इतने कोलम राइस। आप कोई भी राइस ले सकते हैं, जो रेगुलर आप घर में खाते हो वो भी ले सकते हैं। अच्छे से इसे वॉश करने के बाद इसे पानी में डाल करके हम थोड़ी देर भीगने के लिए साइड में छोड़ देंगे। इसी दौरान हमें देखिए कुकर में डाल देना है दो कटोरी इतना पानी और आधा चम्मच इतना नमक, आधा टेबल स्पून इतना ऑयल। इसे हमें उबाल आने देना है। इसमें जैसे ही उबाल आता है ना, तो ये भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे। चावल को तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट तक भिगा लिया था फ्रेंड्स। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने के बाद ही इसे लीड से कवर करके 3 सीटियां लगाइएगा मीडियम फ्लेम पर। चावल बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। लास्ट वाली सीटी को दबा करके भाप पूरी तरीके से निकल जाने के बाद ही लीड को हटा दे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एकदम खिले खिले चावल बन करके तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स कुकर में इस तरीके से चावल बनाने का। चावल तो यहाँ पर हमारे अच्छे से पक चुके हैं फ्रेंड्स। अभी थोड़े से हमें काट करके वेजिटेबल्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने छील करके 1 कप इतना लिए हैं स्वीट कॉर्न, थोड़ी सी फ्लावर ली है काट करके और थोड़ी सी शिमला मिर्च। आप यहाँ पर आलू, मटर या गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपके बच्चे खाना पसंद करते हो वो इसमें डाल दीजिए, जो पसंद नहीं करते उसे स्किप कर दीजिए। अभी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून इतने ऑयल में ये सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। इसी के साथ आधा चम्मच इतना नमक डाल करके इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी देखिए इन वेजिटेबल्स को हमें थोड़ा सा पकाना भी होगा, तो 1/4 कप इतना पानी डाल करके लीड से कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, पानी पूरी तरीके से सूख चुका है और ये जो वेजिटेबल्स है ना वो भी अच्छे से यहाँ पर पक चुके हैं। आप खुद ही देखिएगा, नाइफ से मैंने इसे चेक किया तो बस इन वेजिटेबल्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी इसी कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इतना ऑयल, थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। तो देखिए 1/2 इंच इतना दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 1/2 छोटा चम्मच इतना शाही जीरा और 1 तेज पत्ता। कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को भून लेंगे। इसके बाद इंस्टेंटली 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसी के साथ एक हरी मिर्ची तोड़ करके डालना है। 2 से 3 मिनट तक इसे भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे ये पके हुए चावल, इसी के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये फ्राई किए हुए सब्जियां। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये जो रेसिपी है आप बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों की टिफिन की बात आती है तो हमें उन्हें फ्रेश ही खाना देना पड़ता है। तो ये लीजिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बढ़िया सा स्वीट कॉर्न पुलाव बनकर के तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म टिफिन में दे दीजिए। सच में फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से पुलाव बनाने का। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। और आज का वीडियो, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।